तो मोहतरम दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे इस तरह के सवाल करते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, हमें कौन से अमल करने चाहिए, रमज़ान में सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे अफजल अमल कौन सा होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ और ये बुज़ुर्गों का कौल भी है और किताबों के अंदर मौजूद भी है और उलेमा ने लिखा भी है कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और बहुत से बुज़ुर्गों का ये अपना मामूल रहा है कि उन्होंने रमज़ान के दरमियान कोई दूसरा अमल किया ही नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की, रोज़ा रखा और कुरान करीम की तिलावत में ही अपनी पूरे रमज़ान का महीना गुजार दिया। किसी ने 60-60 कुरान एक रमज़ान में कर लिए, किसी ने 30-30 कुरान एक रमज़ान में कर लिए। और रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान का चांद देखने के बाद ही अल्लाह ताला सबसे पहले आपको कुरान करीम की तिलावत करने और पढ़ने और सुनने का हुक्म देता है। यानी सबसे पहले तरावी की नमाज होती है, तरावी के बाद में तरावी में कुरान एक हाफिज साहब कुरान पढ़ते हैं, बकिया लोग सुनते हैं। तो यानी इससे ये मालूम हुआ कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। यानी चांद देखने के बाद में आपसे ये नहीं कहा कि चांद देखो फौरन रोज़ा रख लो, नहीं, चांद देखने के बाद में सबसे पहले आपको जो हुक्म है वो है आप कुरान करीम से वाबस्ता हो जाइए, कुरान करीम को पढ़िए और पढ़ाइए, कुरान करीम को सुनिए और सुनाइए, यानी कुरान करीम से आप वाबस्ता हो जाएं। तो सबसे पहले चांद देखने बाद में कुरान करीम है, उसके बाद में 12-14 घंटे के बाद में रोज़ा रखा जाता है। इससे ये मालूम हुआ कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, लिहाजा रमज़ान में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत हो सके रमज़ान में कर लेनी चाहिए। और अगर जो हज़रात कुरान करीम को नहीं पढ़े हुए हैं, जो कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते हैं, तो जो ये मैं अपनी ज़ाती राय आपको पेश कर रहा हूँ, जो हज़रात कुरान करीम का नाज़र आप नहीं पढ़े हुए हैं, ये कुरान करीम के हाफिज़ नहीं है या नाज़र नहीं है, उनके लिए ये एक मशवरा है कि वो जितनी उनको कुरान करीम की सूरत याद हैं, चाहे उनको एक सूरत ही याद हो, कुल हुवल्लाहु अहद, वही पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला उसको भी कुरान करीम से वाबस्ता होने का, कुरान करीम की तिलावत करने का और कुरान करीम की अज़मत का जो सवाब है, अल्लाह ताला उसको भी इस रमज़ान की बरकत से मरहमत फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर लेनी चाहिए। और जो हज़रात कुरान करीम को नहीं पढ़े हुए हैं, वो बेहतर है कि जो उनको सूरत याद हैं वो पढ़ लें, और जो सूरत याद हैं वो पढ़ लिया करें, उसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और कुरान करीम की अज़मत को याद करते हुए, कुरान करीम की अज़मत को ध्यान में रखते हुए कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। और रमज़ान में कम से कम हर एक जो हाफिज़ कुरान है, कम से कम 10 कुरान मुकम्मल करें, ये मेरे अपनी ज़ाती राय है। और जो नाज़र ख़्वाह हैं वो कम से कम 3 कुरान ख़त्म करें, और 3 नहीं कर सकते तो 2 करें, और 2 नहीं कर सकते तो कम से कम पूरे रमज़ान मुबारक में 1 कुरान तो ज़रूर मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये कुरान का हक भी है कि कम से कम साल में 2 मरतबा कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल कर लेनी चाहिए। तो रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करने की और रमज़ान मुबारक के रोज़े को बड़ी बशासत के साथ और बड़ी सिद्क दिल से रखने की तौफीक अता फरमाएँ, और तरावी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाएँ, और तरावी को बहुत ज़्यादा इखलास और खलूस के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप कुरान करीम को पढ़ना चाहते हैं और कुरान करीम को सीखना चाहते हैं, जो मेरे भाई या बहन कुरान करीम को पढ़े हुए नहीं हैं, वो अगर आप
कुरान करीम को पढ़ना और सीखना चाहते हैं, आप अपना 10-15 मिनट का वक्त निकाल कर हमारे दूसरे चैनल पर आइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका नाम है कासमी कुरान ट्यूशन। हम वहाँ दूसरे चैनल पर कुरान को बिल्कुल इब्तिदा से सिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग उससे मुस्तफीज़ भी हो रहे हैं और कुरान करीम को पढ़ना सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर कुरान करीम को सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम।